तो पार्टी का गठन किए हम, हर जिले में हर प्रदेश में अपनी पार्टी का हम कार्यकर्ता बनाएंगे, उसके बाद उनको हम चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव लड़ाने के बाद हम उनको सदन तक पहुंचाएंगे। जब हमारे बीच से कोई ड्राइवर सदन में जाएगा तो जो घटना घटती है एक ड्राइवर के साथ, एक मजदूर के साथ जो शोषण करते हैं लोग, वो अपनी बात तो बताएंगे वहां पे। जैसे मान लीजिए सबसे पहली बात है कि हमको एक दिन चाहिए जो ड्राइवर दिवस हो, ऐसे ड्राइवर को भाई उनका तो चेकअप करना चाहिए, ये है शराब पिए हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। रूलिंग है कि हाईवे पे स्पीड बनाया गया है, फर्स्ट लेन सेकंड लेन थर्ड लेन, ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी हाईवे लाइनें बनी हैं लोगों को पता ही नहीं है, वो फर्स्ट लेन से जो चलने वाले व्यक्ति हैं वो भी शराब पी के मस्त हैं, वो फर्स्ट लेन से थर्ड लेन में पहुंच जाते हैं। तो जिस ट्रक का ओवरलोड ट्रक है जिसकी स्पीड ऑलरेडी 60 का है, वो ब्रेक भी लगाएगा तो कितना लगाएगा, कहीं ना कहीं गलती तो पब्लिक की हो जाती है, उसमें ड्राइवर का क्या दोष है। हिट एंड रन में 2 लाख जो व्यक्ति जिसका डेथ होता है, गाड़ी नहीं पकड़ी जाती है, उसको 2 लाख का जो है गवर्नमेंट भुगतान करती है, वहां के 5 लाख अगर कर दिया जाए तो फार सो गुड, उसे गरीब परिवार के लिए जीवन यापन के लिए बहुत पर्याप्त पैसे हो जाएंगे। सबसे आज के डेट में फॉरेन में जो भी एक्सीडेंट होता है वहां रूलिंग है, एक्सीडेंट होने के बाद नियरेस्ट थाने में जाके वो तुरंत सूचना देता है और कहता है मेरी गाड़ी का जो है चालान करिए और मुझे मेरा भी चालान कर दीजिए। इंडिया में ये रूलिंग थोड़ा सा लोग डरते हैं या भग जाते हैं, लेकिन अगर नियरेस्ट थाने में चला जाता है तो लगभग सजा माफ भी हो जाती है। उससे 2 फायदा होगा, बीमा कंपनी जिस गाड़ी जिस बीमा कंपनी से बीमित होती है, वो बीमा कंपनी से वो किसी अधिवक्ता से क्लेम करके वो ज्यादा से ज्यादा पैसा उस परिवार को मिल जाएगा। तो अगर हम भगेंगे नहीं, लोग उस पर कोई मतलब हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेंगे तो हम रुकेंगे, तो बीमा कंपनियां आए उसका अपना जो है कि केस फाइल करें और कोर्ट से उसका फाइनल करें, या आपस में समझौता करके करें, या जैसे हो वैसे करें। लेकिन यहाँ बीमा कंपनियां एक्टिव नहीं है, आप आज फोन करें 3 दिन बाद भी नहीं आएंगे। 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, 8 व्हीलर हो, कोई भी हो, ऑलरेडी सबके लिए सेम एक बराबर का कानून है। बस उसमें यह है कि जो भी अगला व्यक्ति जिसका डेथ होता है उसका अमाउंट बढ़ा दिया जाए, जो 2 लाख का अमाउंट निर्धारित किया गया है उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया जाए, 2 तरह के फायदे हो जाएंगे। एक स्टेट गवर्नमेंट के रूलिंग के हिसाब से 5 लाख उसको किसान बीमा मिल जाएगा, 5 लाख रुपया हिट एंड रन का मिल जाएगा। ये दोनों एक में ज्वाइंट कर दिया गया जबकि ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। केस है कि हिट एंड रन में जो एक्सीडेंट का, तो फिर लाइसेंस बनवाने और इंश्योरेंस करवाने का उचित कह रहा गया कि अगर उसी को भुगतान करना है तो फिर वो इंश्योरेंस क्यों करवाए, लाइसेंस की कोडिंग होनी चाहिए। ऑटो ड्राइवर के लिए ये यूनिफॉर्म है, 6 व्हीलर के लिए ये है, 2 व्हीलर के लिए, 2 व्हीलर पे कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि 2 व्हीलर तो निम्न से हाई स्टैंडर्ड के लोग भी चलाते हैं, नहीं प्राइवेट तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन जो गाड़ियां प्राइवेट हैं या कमर्शियल हैं उसमें अगर निर्धारित करते हैं तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो हम अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, अब कुछ दिन में जाकर के हम मुख्यमंत्री जी से अपना ज्ञापन देंगे और मांग रखेंगे करने के लिए। जब कहीं हम जाते हैं हमारे साथ अगर समूह नहीं रहता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। हम अपने समूह को बड़ा कर रहे हैं, जिस दिन मेरा समूह बड़ा हो जाएगा उस दिन मुख्यमंत्री से लगाए प्रधानमंत्री तक हमारे एप्लीकेशन, हमारे जितने मांग है उसको भेजा जाएगा। पहले हम मजबूत बनना चाहते हैं, हम मजबूत हो जाएंगे तभी कोई काम कर पाएंगे। तो चाहते हैं सब इलेक्ट्रिक हो जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, भला है पब्लिक का भी भला है और सबका भला है। नियम तो ठीक है लेकिन एक बार प्रेशर बना करके अगर ये नियम लागू किया जाए ये अच्छा नहीं है, ये गलत है। जब जिसकी जिस तरह की व्यवस्था आवश्यकता होगी वो उस हिसाब से करता रहेगा, एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि सब लोग इलेक्ट्रिक ही प्रयोग करेंगे। डीजल प्रयोग करते थे, डीजल से पेट्रोल हुआ, पेट्रोल से सीएनजी हुआ, ऐसे परिवर्तन होगा। एक एक तरफा अगर एक बाइक चाहे रोकना तो असंभव है, नहीं हो पाएगा। इस समय तो कोई स्कीम है नहीं ड्राइवरों के लिए, शायद एक स्कीम है श्रम विभाग का, एक बीमा होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है, लेकिन उसका फंड जो भी है वो रिलीज जल्दी नहीं होता है। साधारण मौत में 2,25,000 है, एक्सीडेंटल में 5 लाख है, लेकिन उसका पेमेंट नहीं होता है।
इसलिए वो परिवार पहले तो कोशिश करता है, फिर बाद में जाके जो काम कराने वाले लोग होते हैं वो भी परेशान हो जाते हैं और आवेदिका को वह फंड मिलता नहीं है। किसी ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाता है तो सबसे पहले नियरेस्ट थाने पे जाकर के अपनी सूचना देना चाहिए, उसके बाद जो कार्रवाई होना चाहिए, सूचना जरूर देना चाहिए। अगर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले वहां से वो भाग जाए, क्योंकि पब्लिक उसको मार देगी, मुआ देगी, क्या करेगी ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन पब्लिक छोड़ेगी नहीं। तो सबसे पहला काम उसका है कि वहां से तुरंत हट जाए और नियरेस्ट थाने पे जाके सूचना दे दे। इससे दोनों को फायदा होगा, ड्राइवर भी सेफ हो जाएगा और जिस परिवार के साथ घटना हुआ है उस परिवार का उसको लाभ मिल जाएगा। है कि ड्राइवर बंधु जितने अपने ड्राइवर भाई हैं, सबसे पहले ड्राइवरों का डीएल बनाने में जितनी सुविधा मुहैया हो सके उतनी सुविधा मुहैया करा जाए कि ड्राइविंग लाइसेंस बनना बहुत जरूरी है। डीएल अगर उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो भविष्य में अगर कहीं दुर्घटना हो जाती है या किसी भी प्रकार का कोई घटना होता है तो बीमा में पॉलिसी जो होता है, गाड़ी नहीं खरीदी जाती उसमें पॉलिसी होता है, पीए पॉलिसी 15 लाख का वो क्लेम है। तो जब डीएल रहेगा तभी वो क्लेम मिलेगा। और लोग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते हैं, इस बात का बहुत कष्ट है। शहरी इलाके में तो थोड़ा बहुत बन जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग ध्यान नहीं देते हैं। मेरा ये सुझाव है कि जिसकी उम्र 18 साल के ऊपर हो जाए, जो भी बंद गाड़ी चलाने के लायक हो जाए, वो सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा ले। और इसमें सरकार का अहम भूमिका, आरटीओ ऑफिस में बड़ी दिक्कतें होती हैं, वो दिक्कत खत्म हो जाए। अगर व्यक्ति जा रहा है, अपना एप्लीकेशन सबमिट किया, उसके पास पैसे कम है तो फीस लेकर के अगर वो काबिल है तो उसका डीएल तुरंत प्रोवाइड किया जाए। अब तो ऐसा हो गया कि परिवार के लिए भी वह योजना में सम्मिलित करना चाहिए, उसमें कोई जात नहीं होना चाहिए। अगर ड्राइवर है तो उसका उस योजना का लाभ मिलना चाहिए। अटल आवासीय योजना में ड्राइवर परिवार का, चाहे किसी भी बिरादरी का हो, अगर ड्राइवर है तो उसमें भी इन लोगों के बच्चों को भी लाभ मिलना चाहिए। रेड लाइट जहां जहां पे है उसके नजदीक जितने जो है होर्डिंग बोर्ड है उसको तुरंत हटवा देना चाहिए। बस आगे का व्यक्ति देख पाता है कि रेड है कि ग्रीन है, उसके ठीक पीछे वाला व्यक्ति देख ही नहीं पाता है कि रेड है कि ग्रीन है। बस वो आगे वाले आदमी को देखता है, वो जा रहा है तो वो भी चला जाता है, जिसमें बहुत ज्यादा चालान कट जाता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता है कि हमको ब्रेक लगाना है कि आगे बढ़ना है। ओले हैप्पी ओले हैप्पी होली सब लोग आपस में हैप्पी होली। आ जाइए ऊपर, आइए आप लोग भी आइए, सब लोग आइए हमारे। और ऐसे भी स्थिति में पूरा परिचय बनाया जाता है, आइए आइए भाई, आप लोगों को भी थोड़ा बीच लगा दे। ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता, ड्राइवर एकता।